कृषि कानूनों को लेकर बढ़ा घमासान। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की विधानसभा में फाड़ी कॉपियां। कृषि कानूनों को लेकर केजरीवाल ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा, कहा अंग्रेजों से बदतर न बने कानून। कानून किसानों के लिए नहीं बनाए गए, ये कानून भारतीय जनता पार्टी के चुनावों की फंडिंग कराने के लिए बनाए गए। केजरीवाल के बिल फाड़ने वाले विरोध पर बीजेपी आग बबूला। मनोज तिवारी बोले टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं दिल्ली के सीएम। कि उन्होंने ये बड़े शर्म की बात है, जबकि साथ में ये भी याद रहे कि उन्होंने ये बिल स्वयं ही पास किया है, उसके बाद इस तरह का नाटक क्यों। किसान कानूनों पर चर्चा के लिए बुलाया गया था दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र, आपके विधायकों ने भी फाड़ी कानून की प्रतियां। कृषि कानून पर घमासान के बीच कृषि मंत्री ने किसानों को लिखी 8 पन्ने की चिट्ठी, विपक्ष पर लगाया गुमराह करने का आरोप। कृषि मंत्री की चिट्ठी पर पीएम मोदी का ट्वीट, किसानों से की चिट्ठी पढ़ने की अपील। किसान आंदोलन का रास्ता निकालने में जुटी सरकार, बीजेपी मुख्यालय में अमित शाह, नरेंद्र तोमर, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण की बैठक। किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सवाल दागे, पूछा क्या बातचीत के दौरान कृषि कानूनों पर रोक के लिए तैयार है। किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, कहा मसला सुलझाने के लिए किसानों और सरकार में बात हो। 22वें दिन भी जारी रहा किसानों का आंदोलन, दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हैं आंदोलनकारी। सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने पढ़ाई लिखाई का भी किया इंतजाम, कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी की भी व्यवस्था। दिल्ली के बुराड़ी में आंदोलन कर रहे किसानों की तबीयत बिगड़ी, आंदोलनकारियों को पहुंचाया गया अस्पताल। मुजफ्फरनगर से दिल्ली निकले खाप पंचायतों के चौधरी, दिल्ली में चल रहे आंदोलन को समर्थन देंगे। बुलंदशहर में किसानों को पुलिस ने रोका, दिल्ली कूच की थी तैयारी। दिल्ली के चिल्ला बॉर्डर पर किसानों का विरोध प्रदर्शन, आने जाने वालों को घंटों तक परेशानी हुई। भारतीय किसान यूनियन ने सरकार को दी चेतावनी, कहा किसानों में फूट डालने की कोशिश कर रही है सरकार। सरकार की इस बात पर हम ऐसे भी आ गए, इन्होंने अपनी मजाक बनवाने बिना मतलब इस तरह का रवैया, ये तो किसान हित में तो है ही। बरेली में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसानों को किया संबोधित, कहा कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं। कुछ चुनिंदा लोग जिन्हें भारत की प्रगति और किसानों की प्रगति और किसानों की खुशहाली अच्छी नहीं लग रही है, वे लगातार गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। रक्षा पर संसदीय बैठक को लेकर राहुल गांधी ने लोकसभा स्पीकर से शिकायत की, चिट्ठी में लिखा मीटिंग में नहीं मिला बोलने का मौका। संसदीय समिति की बैठक को बीच में छोड़कर निकले थे राहुल, बीजेपी ने सवाल उठाए। पिछले 1.5 साल में कुल मिलाकर 14 बैठक हुई, 14 बैठकों में से 2 ही बैठकों में वो उपस्थित रहे, 12 में एब्सेंट रहे। बीजेपी के वार पर कांग्रेस का पलटवार, तारिक अनवर बोले वर्दी पर फैसला सेना का आंतरिक मसला। पहले तो उनको, उन्होंने एक सवाल उठाया था, पहले तो उनको बोलने नहीं दिया गया, ना कांग्रेस के किसी सांसद को बोलने दिया गया, और उन्होंने बहुत मुद्दे की बात उठाई थी। बैठक में सेना की वर्दी पर प्रेजेंटेशन के दौरान राहुल ने सवाल उठाए थे, लद्दाख में सेना की तैयारियों पर चर्चा की मांग की। टीएमसी में लग गई इस्तीफों की झड़ी, शुभेंदु अधिकारी के बाद आसनसोल के महापौर जितेंद्र तिवारी ने छोड़ा पार्टी के सभी पद। चाहती है कि 2021 में फिर यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस की सरकार बने, तो शुभेंदु अधिकारी को किसी भी हालत में तृणमूल कांग्रेस में रखना चाहिए, यदि उनको ये जाने देते हैं तो ये तृणमूल कांग्रेस के लिए बढ़िया नहीं होगा। जितेंद्र तिवारी के इस्तीफे के बाद टीएमसी कार्यकर्ताओं में नाराजगी, दफ्तर से हटाया नेम प्लेट।
बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के इस्तीफे के बाद बवाल, टीएमसी कार्यकर्ताओं ने पोस्टर बैनर फाड़े। तैयारियों का जायजा लेने कोलकाता पहुंची चुनाव आयोग की टीम, राजनीतिक दलों के साथ माथापच्ची की। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 24,000 से ज्यादा नए मामले, 99,56,000 पर पहुंचा कुल आंकड़ा। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 355 लोगों की मौत, अब तक 1,44,000 लोगों की जान जा चुकी है। देश में पिछले 24 घंटे में 35,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए, सिर्फ 3,22,000 एक्टिव मरीज। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,363 नए मामले, 24 घंटे में 35 लोगों की मौत। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन ने बढ़ाया कोरोना की जंग जीतने का हौसला, फेज 1 ट्रायल में नहीं आया कोई गंभीर साइड इफेक्ट का मामला। कोरोना वैक्सीन को लगाने में भारत सरकार को खर्च करने होंगे $1.8 अरब, सरकार के एक नोट से सामने आया अनुमान। पराली प्रदूषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का हलफनामा, कहा इस साल पंजाब में बढ़े केस लेकिन हरियाणा में आई कमी। दल बदल मामले में बाबूलाल मरांडी को हाईकोर्ट से राहत मिली, अदालत ने विधानसभा अध्यक्ष के नोटिस पर रोक लगाई। December 19 को बंगाल दौरे पर जाएंगे अमित शाह, मिदनापुर में चल रही है जोरदार तैयारियां। बीजेपी की रैली से पहले अनंतनाग की बिजबिहारा में आतंकी हमला, सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड से अटैक, एक जवान घायल। ये पूरी उम्मीद है कि उसमें जमहूरियत की जीत होगी, लोकतंत्र की जीत होगी और बड़ी तादाद में लोग वोट में भाग लेंगे। ये लोकतंत्र जीत रहा है इसलिए कुछ लोग फ्रस्ट्रेशन में। अनंतनाग में सुबह आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच एनकाउंटर, हिजबुल का एक आतंकी गोली लगने से घायल। पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर, जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में भारी गोलीबारी, भारत ने करारा जवाब दिया। ओडिशा के मलकानगिरी में नक्सलियों का उत्पात, ठेकेदार को उतारा मौत के घाट, 3 गाड़ियों में लगाई आग। अमृतसर में पाकिस्तान के 2 घुसपैठियों को बीएसएफ ने ढेर किया, करीब 5 किलो हेरोइन बरामद। धौलपुर में आपसी रंजिश के चलते 2 सगे भाइयों पर फायरिंग, 1 की मौत, करीब 1 दर्जन बदमाशों ने घेराबंदी करके गोलियां चलाई। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में जमीन विवाद में 1 युवक की हत्या, 4 लोगों ने कुल्हाड़ी से काटकर वारदात को अंजाम दिया। झारखंड के जमशेदपुर में धरा गया हथियार सप्लायर, 6 दूसरे आरोपियों को ढूंढ रही है पुलिस। अमेठी में पुलिस को बड़ी कामयाबी, 10 अवैध हथियारों और कारतूस के साथ 6 आरोपी गिरफ्तार। महाराजगंज में मालिक का मोबाइल हैक कर कर्मचारी ने खाते से निकाले लाखों रुपए, यूट्यूब देखकर सीखी ऑनलाइन ठगी। फतेहपुर में दहेज की वजह से नहीं आई बारात, लड़की के पिता ने फांसी लगाकर जान दी। मेरठ में दिल्ली रोड पर एक रेस्टोरेंट में भीषण आग, गैस लीक होने की वजह से हादसे का अनुमान। लखनऊ में 3 बसों में लगी आग, दूर से नजर आया धुएं का मोटा काला गुबार, हादसे की वजह साफ नहीं। कानपुर में गत्ता फैक्ट्री में भीषण आग, शॉर्ट सर्किट से हादसा, करोड़ों का नुकसान। लखनऊ में 3 दिनों तक ज्वेलर के यहां आयकर विभाग की छापेमारी, 20 करोड़ टैक्स चोरी का मामला है। यूपी के लखीमपुर खीरी में यात्रियों से भरी पिकअप गाड़ी पलटी, 2 की मौत, 10 की हालत गंभीर। उत्तराखंड के कोटद्वार में गोदाम में शॉर्ट सर्किट होने से भीषण आग, लाखों का माल जलकर खाक। राजस्थान के बूंदी में मदरसा शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन, गहलोत सरकार के खिलाफ नारेबाजी। कोलकाता के जादवपुर यूनिवर्सिटी में बवाल, आर्ट्स विभाग के डीन को छात्रों ने पीटा, प्लेसमेंट को लेकर नाराज थे। बीएचयू में छात्रों का विरोध प्रदर्शन, हॉस्टल खोलने की मांग को लेकर चक्का जाम किया।
एडिलेड टेस्ट के पहले दिन शतक से चूके कप्तान विराट रहाणे की कॉल पर हुए रन आउट, विराट के आउट होते ही बिखरी भारत की पारी। 188 पर 3 से 206 पर 6 हुआ भारत का स्कोर, दिन का फाइनल स्कोर 233 पर 6, अश्विनी साहा ने जगाया जोश। खाता तक नहीं खोल सके पृथ्वी शॉ, शुभमन गिल की जगह तरजीह दिए जाने को लेकर सवाल उठे। इसरो ने लॉन्च किया 42वां कम्युनिकेशन सैटेलाइट, कोरोना काल में दूसरा और इस साल का अंतिम मिशन। जम्मू कश्मीर को जल्द मिलेगी नई सौगात, डल झील में शुरू होगा देश का पहला तैरता एम्बुलेंस। बिहार के मुजफ्फरपुर में खादी ग्रामोद्योग की अनोखी पहल, मिट्टी के चूल्हे पर बनी मक्की की रोटी और सरसों के साग की होम डिलीवरी शुरू। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड, राजधानी में ठंडी हवाओं ने लोगों को बेहाल किया। वी हैव रियलाइज कोल्ड वेव एट टू प्लेसेस, रिज एंड आयानगर, एंड इफ वी थिंक अबाउट द कोल्ड डे, तो यस्टरडे कोल्ड डे वाज रियलाइज इन लोधी रोड एज वेल एज पालम ऑब्जर्वेटरीज। पंजाब में कोहरे का जबरदस्त कोहराम, घनी धुंध में लिपटा दिखा अमृतसर का आसमान। पंजाब में जारी है ठंड का प्रकोप, अमृतसर में एसजीपीसी ने श्रद्धालुओं के लिए खास इंतजाम किए। हरियाणा में भी सर्दी का सितम, हिसार में 2 डिग्री के करीब पहुंचा पारा, आने वाले दिनों में ठंड और कोहरा दोनों बढ़ेगा। राजस्थान में कड़ाके की ठंड, माउंट आबू में 0 से 1 डिग्री नीचे पहुंचा तापमान। शीतलहर से कांपा राजस्थान का शेखावटी, 3.8 डिग्री पर पहुंचा न्यूनतम तापमान। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बूंदाबांदी, सबसे ठंडा रहा बरेली, 3 डिग्री के करीब न्यूनतम पारा। जम्मू कश्मीर में ज्यादातर जगहों पर 0 से नीचे तापमान, श्रीनगर में -6 के नीचे लुढ़का पारा। गुलमर्ग में 0 से 11 डिग्री नीचे पहुंचा मिनिमम तापमान, औसत से करीब 6 डिग्री नीचे। 223 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 46,890 पर बंद हुआ सेंसेक्स, 58 अंकों की बढ़त के साथ 13,740 पर निफ्टी बंद। भारत की विकास दर के अनुमान में रिसर्च एजेंसियां लगातार सुधार कर रही हैं, एसबीआई ने जताया 7.4% गिरावट का अनुमान। रेवेन्यू के मोर्चे पर कोरोना काल में सरकार को लगा झटका, 7.6% की कमी के साथ 4.95 लाख करोड़ रुपए का डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन। 4 साल बाद सरकार अगले साल मार्च में टेलीकॉम स्पेक्ट्रम की करेगी नीलामी, रेवेन्यू की कमी से मिलेगी राहत। 60 लाख टन निर्यात के लिए चीनी मिलों को 3,500 करोड़ रुपए की सब्सिडी, गन्ना किसानों के बकाए का होगा भुगतान। 15 दिनों के भीतर आईफोन मेकर विस्ट्रॉन के प्लांट में हुए विवाद का होगा समाधान, सरकार ने भरोसा दिया। 9 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचा कच्चा तेल, अमेरिकी भंडार घटने और वैक्सीन के आने से लगा कीमतों में उछाल। दुनिया में 7,46,00,000 के करीब पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, अब तक 16,56,000 से ज्यादा की जान जा चुकी है। अमेरिका में 1,73,00,000 के करीब पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, अब तक 13,14,000 लोगों की जान जा चुकी है। अगले महीने वुहान जाएगी 10 वैज्ञानिकों की अंतर्राष्ट्रीय टीम, WHO के अनुसार कोरोना के शुरू होने के कारणों का पता लगाएगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यूरोप को कोरोना के नए संक्रमण को लेकर चेतावनी दी, लोगों से की क्रिसमस के समय मास्क पहनने की अपील। नेदरलैंड्स में महामारी के शुरू होने के बाद पहली बार लगा 5 हफ्तों का सख्त लॉकडाउन, क्रिसमस में 3 दिनों की ढील दी जाएगी। ब्राजील में जारी है कोरोना महामारी की दूसरी लहर से तबाही, 1 दिन में 70,000 से ज्यादा लोग बीमार। चिली ने फाइजर के वैक्सीन के इस्तेमाल को दी मंजूरी, पूरे देश में मुफ्त में होगा टीकाकरण। पेरू में महामारी की दूसरी लहर के बीच स्वास्थ्य कर्मियों का विरोध प्रदर्शन, वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। अमेरिका के जॉर्जिया में कोरोना महामारी में मारे गए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि, पार्क में लगाई गई 1,000 खाली कुर्सियां।
अफगानिस्तान के बागलान में आतंकी हमले में 13 की मौत, तालिबानी आतंकियों ने पुलिस चौकी पर हमला किया। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।